हे नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेक एंड्रॉइड हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने किसी भी मोटोरोला के फोन में सॉफ्टवेयर को कैसे चढ़ा सकते हो। एक बात मैं बता देता हूँ, जैसे अगर आप किसी फ्लैगशिप फोन में भी चढ़ाओगे, जैसे मोटो Z2, मोटो X4, मोटो Z2 फोर्स या मोटो G5 प्लस, सभी में ये सेम मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी में वर्क करेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जो अपने फोन को यहाँ पे आपको फास्ट बूट मोड में देना होगा, तो फास्ट बूट मोड में देने के लिए आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को लॉन्ग प्रेस किए हुए रहना है कुछ देर तक। उसके बाद आपका फोन जो है वो बूट मोड में चला जाएगा। तो जैसे कि मेरा अभी फास्ट बूट मोड में जा चुका है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और मैं इसी तरह से इस वीडियो को शेयर करते रहना ताकि और भी लोगों की हेल्प हो और वो भी सीख पाए कैसे जो है खुद से जो है सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में डाटा केबल को लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अपने डिवाइस को पहले फास्ट बूट मोड में दिया, उसके बाद मैं अपना जो है डाटा केबल में लगा रहा हूँ अपने फोन में। तो इस तरह से इनपुट करने के बाद आपको अपने अब कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना है, और यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर में कुछ फाइल डाउनलोड करनी होती है। जो कि पहला मेरा फाइल जो है वो मोटो का ड्राइवर है, मोटोरोला ड्राइवर, और मेरा सॉफ्टवेयर है, जैसा कि अभी आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे एक मेरा सॉफ्टवेयर है और एक मेरा फ्लैशर है। तो ये सॉफ्टवेयर को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने दोनों को ऑलरेडी भाई मैंने पहले से एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ। तो और नीचे जो है वो मेरा दूसरा फाइल जो है वो बस 1 MB का है, जो कि इजी इंस्टॉलर है। तो कभी कभी इस फाइल की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको इजी इंस्टॉलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें सारी कमांड होती है। तो सबसे पहले मैं इजी इंस्टॉलर जो है, इजी फ्लैशर जो है, उसको मैं कट करके मैं कॉपी करके अपने जो सॉफ्टवेयर है उसमें मैं पेस्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी भाई पेस्ट कर दिया। तो यार ये जो सॉफ्टवेयर है आपको ध्यान रहना चाहिए, मैंने बस अपना जो सॉफ्टवेयर है मोटो का सॉफ्टवेयर उसमें मैंने बस ADV फाइल को पेस्ट किया है, और मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है। तो ये सारे पेस्टिंग पेस्ट करने के बाद आपको जो इजी इंस्टॉलर आपको मिलेगा वो जो बैच फाइल में रहता है, ये जो बैच फाइल है इसमें सारे कमांड रहती है। तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करके रन करना है। जैसे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बस वो जो बैच फाइल है उसे मैंने डबल क्लिक किया, और इस तरह से मुझको आया चूज करने का ऑप्शन। तो आपको एक नंबर चूज करना है, फ्लैश स्टॉक रोम। तो इस तरह से एक को टिप करके आपको जो है इंटर कर देनी है, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो चढ़ता है सॉफ्टवेयर भाई, यहाँ पे आपको कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम मतलब 4 मिनट या 3 मिनट लगता है आपको कभी कभी। तो वेट कर लेते हैं तब तक, मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने। तो काफ़ी इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये सब नहीं है फ्लैशिंग करना। पहले जो है कि हमें हर कोड को जो है पेस्ट करके इंटर करना पड़ता था, पेस्ट करके इंटर करना पड़ता था, बट अब जो है एक भाई को तो एक सुविधा आ गई है कि यहाँ पे आपको बस बैच फाइल पे क्लिक करके आपको इंटर करनी पड़ती है, सभी कमांड ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अभी मेरा ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो बट यहाँ पे आपको 5 नंबर को इंटर करके, 5 नंबर टिक करके आपको रीसेट मारना पड़ेगा। उसके बाद आपको, जैसे मेरा रीसेट भी हो चुका है, तो अब आपको 4 नंबर करके रिबूट करना पड़ेगा। तो रिबूट करके, अगर आप रीसेट करके रिबूट करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो मेरा डिवाइस, मैंने बस रिबूट पे क्लिक किया 4 नंबर का कमांड इंटर करके, अब मेरा डिवाइस ऑटोमेटिकली बूट अप हो चुका है कुछ देर के बाद। तो काफ़ी इजी स्टेप था, मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा कि कैसे आखिर मोटोरोला के फ़ोन में सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं। और भी अगर आप अदर फ़ोन के बारे में जानना चाहते हैं कि दूसरे फ़ोन में कैसे सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं, तो आप उनकी वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है मैंने आपको कम से कम टाइम में मैंने बता दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो आपको यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको बेल आइकन आएगा तो उस पर क्लिक कर लें। जो है कि आपको जब भी मैं कभी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा।